पदकों का इसमें पदकों का मंडल मंडल आगे मंडल अध्यक्ष आप देख आप ज्यादा चला दो नहीं नहीं पट्टी में जाओ जन बाय दिखा लगी जब हेंडक जाए हेंड जाए के तब यहां आ रहा है ना देखो आ रहा है दूर दूर लग जा दूर दूर हेरा स्वामी जी आ हाँ बाहर चला पहले चल जाने पे रात पहले चल जाने पे उसमें क्या किया जा रहा है इसमें 1300 दीपक जलाए जा रहे हैं और सब लोग इकट्ठा होकर उसको मना रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं दीप प्रज्वलन का तो किस विषय में रखा गया है ये कार्यक्रम लगभग 3-4 वर्ष से बराबर चल रहा है हमारे शंकर मुटन धाम छानी में ये दीप जलाकर एक संदेश दिया जा रहा है कि चाइना माल जो विदेशों का माल यहाँ पे हमारे भारत देश में बिकता है कि भारत देश का ही माल बिके कुम्हारों के बनाए हुए मिट्टी के दीपक जलाए जाएँ और चाइना माल भगाया जाए कितने दिए आपने जलाए 1301 दीपक 1301 ये जो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा गया है तो कोई टीम या किस संगठन से जुड़े हैं आप हमारा एक संगठन है भारतीय प्रजापति ऑर्गेनाइजेशन ये BPHO ये हमारा एक संगठन है संगठन की ओर से ये दीपदान किया जा रहा है मिट्टी के दीपक जलाए जा रहे हैं इसके हमारे उपाध्यक्ष हैं श्री KD सिंह प्रजापति जी उन्होंने मुझे बुंदेलखंड प्रभारी बनाया था बुंदेलखंड प्रभारी बन जब से मैं बना हूँ तो हर साल बराबर ये मिट्टी के दीपक जलाए जा रहे हैं हमारे छानी शंकर मुटन धाम में कितने वर्षों से मनाया जा रहा है इसको? ये 3-4 वर्ष हो गए दीप प्रज्वलन का तो इसमें किन किन लोगों की कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं ये कई जगह के लोग हैं यहाँ शंकर मुटन धाम काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है ये जगह है ऐसा धाम है पावन धाम है कई लोग गांव के लोग जुड़े हुए हैं इस गांव से बाजार भी लगती है मार्केटों में तो कई जगह के क्षेत्रीय गांव हैं जो सभी लोग आते हैं कुम्हारों को क्या फ़ायदा होने वाला है जो कुम्हार प्रजापति छोटे तबके के लोग होते हैं ये अपने हाथ से मिट्टी के दीपक बनाते हैं अगर इनकी मिट्टी के दीपक बिकेंगे इनके घर में भी अच्छी दिवाली मनाई जाएगी ये गरीब तबके के लोग हैं तो हम सभी लोगों से ये प्रार्थना कर रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि कुम्हारों के हाथ से बने हुए मिट्टी के दीपक जलाएं और वो अपनी भी दीपावली मनाएं उनकी भी दीपावली मनवाएं जी भैया आपका शुभ नाम मेरा नाम कमल किशोर प्रजापति है अच्छा ये जो कार्यक्रम रखा गया दीपदान उत्सव का कैसा क्या कार्यक्रम है ये दीपदान उत्सव का जो कार्यक्रम रखा गया है जी उसका मुख्य कारण अगर हम आज के धरातल पर देखें तो इसका वैज्ञानिक महत्व भी है
उसमें जो है तो जो भी कीट पतंगे वातावरण में पैदा हो जाते हैं तो अगर हम दिए तेल के जलाते हैं तो निश्चित तौर से वो कीट पतंगे ख़त्म हो जाते हैं और हम सब लोग बीमारी से भी बचते हैं और वातावरण शुद्ध भी होता है। बिल्कुल सही। हाँ भाई, शुभ नाम आपका? मेरा नाम संजय प्रजापति है, भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन से मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। ये जो दीपदान महोत्सव कार्यक्रम किया गया, कैसा क्या कर रहा है, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? इसका मुख्य उद्देश्य है कि विदेशी ठुकराओ स्वदेशी अपनाओ, और ये हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कुम्हारों द्वारा मिट्टी के दीपक बनाए जाते हैं तो इनको खरीद कर इनको दिवाली में अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि कुम्हारों का मनोबल बढ़ेगा। और इसका एक वैज्ञानिक कारण ये भी है कि इनको जलाने से कीट पतंगे जो हैं नष्ट होते हैं। मतलब आपके कहने ये है कि मतलब चाइना से जो सामान आ रहा है उसको बंद किया जाए और अपने देश का ही सामान खरीदा जाए, उसको उपयोग किया जाए, यही मतलब है ना? जी जी। अच्छा, इस विषय में आप मतलब दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी विदेशी ये झालरे आलरे हैं जो भी हैं, इनको हटाओ, बिल्कुल पूर्णतः इनको हटाया जाए और फिर से भारतीय संस्कृति की ओर लौटा जाए। ये जो दीपदान महोत्सव कार्यक्रम किए गए, किसके ऑर्गेनाइजेशन में किया गया? ये हमारे भारतीय प्रजापति हीरो ऑर्गेनाइजेशन से बुंदेलखंड अध्यक्ष माननीय हरगोविंद प्रजापति जी के निर्देशन से किया जा रहा है, हर वर्ष की तरह संकट मोचन धाम छानी में। और ये लगभग कितने वर्ष तक किया जा रहा, मतलब कब से चला आ रहा? चार वर्षों से बराबर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं जी, प्रधान जी हरगोविंद जी की तरफ से बराबर चार वर्ष से ये कार्यक्रम चल रहा है। जी जी, बिल्कुल। धन्यवाद।